हे दोस्तों, यू हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक नई सरकारी नौकरी के साथ। मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यू हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वैकेंसी देखने के लिए हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, youhelpsr.com। इस वेबसाइट पर हम चलते हैं तो काफ़ी एक शानदार लुक आपको वेबसाइट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। होम पेज पर आपको जो है मूवेबल कंटेंट के फॉर्म में अलग अलग वैकेंसी, उसके बाद बॉक्सेस के फॉर्म में, उसके बाद ये तीन जो अलग अलग टेबल्स दी गई है, इन तीन अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में जो है वैकेंसीज यहां पर आपको दी गई है। तो एक अच्छा लुक हमने वेबसाइट को यहां पे दिया गया है। सिर्फ एक क्लिक पे जो है आपको 200-300 जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी, इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्यून की पोस्ट के लिए है सिर्फ 10वीं पास, बाकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए, कुक और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 10वीं पास योग्यता है, प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्यून की पोस्ट के लिए सिर्फ 10वीं पास योग्यता है और कुछ भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 53। पोस्ट की बात करें तो प्यून, ड्राइवर, कुक, जनरेटर, ऑपरेटर, इन पोस्ट पर वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपकी झारखंड रहेगी। मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इसका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ड्राइवर के लिए सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 2 के आधार पर मिलेगी और बाकी जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी अलग पोस्ट है, सबके लिए लेवल 1 के आधार पर सैलरी मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी, इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड के बाहर के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं उन सबको जनरल में काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म एकदम फ्री है, फॉर्म को भरने की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगना है। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट youhelpsr.com को दिन में 4 से 5 बार जरूर विजिट किया करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी है सबकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट youhelpsr.com के जरिए मिलती रहेगी। इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारी वेबसाइट youhelpsr.com में आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म भी इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म जो है आपको हमारी वेबसाइट youhelpsr.com पे जाकर के डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के जो है आपको सेंड कर देना है। नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को 15 जून 2018 से पहले आपको भेज देना है। 15 जून 2018 से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म जो नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया गया वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच।